नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान के सभी जिलों की खबरें। अपने जिले की खबरें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। वैसे आप इस वीडियो को कौन से जिले में बैठकर देख रहे हैं, कमेंट में उस जिला का नाम लिखें। सबसे पहले जानते हैं जयपुर जिले की खबरें। जयपुर में 2 दिन लू चलने का अलर्ट। राजस्थान में अब गर्मी के तेवर रात में भी तेज हो गए। फलोदी में न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने लगा है। अधिकांश शहरों में दिन का तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ। राजधानी जयपुर में भी लगातार दूसरे दिन तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई। अब जयपुर में 2 दिन लू चलने का अलर्ट जारी हुआ है। जयपुर में घर में घुसा तेंदुआ, परिवार अंदर फंसा। जयपुर के मालवीय नगर इंडस्ट्रियल एरिया के पास तेंदुआ एक घर में घुस गया है। घर में 2 बच्चियों सहित 4 लोग फंसे हुए हैं। इससे पहले तेंदुए ने पास में ही एक फैक्ट्री के गार्ड पर हमला किया था। मंगलवार सुबह करीब 8 बजे सबसे पहले तेंदुए का मूवमेंट देखा गया था। स्थानीय लोगों की सूचना पर मालवीय नगर थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड के अधिकारी मौके पर पहुंचे। आसपास के इलाकों में सर्च अभियान शुरू किया गया। ओन ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में 3 डॉक्टरों के इस्तीफे मंजूर। राजस्थान में फर्जी तरीके से ऑन ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए एनओसी जारी करने के मामले में सोमवार को 3 डॉक्टरों के इस्तीफे मंजूर हो गए। इस प्रकरण में चल रही जांच में इन तीनों की भूमिका संदिग्ध आ रही थी। इसके आधार पर सरकार ने सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव बगरहट्टा, SMS हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा और स्टेट ऑनऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑनऑर्गेनाइजेशन सोटो के चेयरमैन डॉक्टर सुधीर भंडारी से इस्तीफे मांगे थे। सरकार को डॉक्टरों ने इस्तीफा भेज दिया, जिसे मंजूर कर लिया गया। जयपुर बम धमाकों के शहीदों को 13 को देंगे श्रद्धांजलि, होंगे हनुमान चालीसा के पाठ। जयपुर के जौहरी बाजार स्थित पूर्व मुखी सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर में 13 मई को जयपुर बम धमाका में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए श्री हनुमान चालीसा प्रबंध समिति के संरक्षक एवं अध्यक्ष अमरनाथ एवं मंदिर महंत मदन मोहन शर्मा के सान्निध्य में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन होगा। जयपुर एयरपोर्ट से 21 मई से 27 मई तक हज फ्लाइट रवाना होगी। राजस्थान स्टेट हज कमेटी की ओर से जयपुर के चयनित हज यात्रियों के लिए रविवार और सोमवार को हज हाउस रामगढ़ मोड़ करबला जयपुर में 2 दिवसीय टीकाकरण और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। पहले दिन 389 और दूसरे दिन 216 कुल 605 हज यात्रियों और शेष हज यात्रियों का टीकाकरण किया गया। 44 लाख में लगाए गए हेरिटेज लाइट पोल कबाड़ होने के लिए छोड़ गए। JDA अफसर जयपुर के जवाहर सर्किल व एयरपोर्ट एरिया को रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, लेकिन इसकी आड़ में जो पूर्व में लगे लाइट के पोल गार्डन चेयर्स की दुर्दशा हो रही है, जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ 7 साल पहले JDA ने जो हेरिटेज लुक के रोड लाइट के पोल लगाए थे, वे अब कबाड़ बनाकर छोड़ दिए गए हैं। अब अजमेर जिले की खबरें। अक्षय कुमार अरशद वारसी के खिलाफ परिवाद पर सुनवाई आज। फिल्म जॉली LLB 3 पर वकीलों के पेश परिवाद पर मंगलवार को सुनवाई होगी। जज यश बिश्नोई ने बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार, अरशद वारसी और फिल्म प्रोड्यूसर सहित 6 लोगों को नोटिस जारी किया है। सभी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। सोमवार को सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर अजमेर में परिवाद दायर किया था, जिसमें जज और वकीलों की छवि खराब करने, नियम विरुद्ध फिल्म की शूटिंग करने और आपत्तिजनक डायलॉग को लेकर शिकायत दी है। अब जोधपुर जिले की खबरें। राज्य एथलेटिक्स में जोधपुर के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुई राजस्थान स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जोधपुर के एथलीट ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई मेडल जीते। जिला एथलीट संघ के सचिव ओमपुरी ने बताया कि 100 मीटर रेस में विवेक ने सिल्वर और रोहित ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। भदवासिया मंडी में अब सुबह 10 बजे तक ही दुकानों के आगे बैठ बेच सकेंगे। सब्जी सावित्री बाई फुले फल सब्जी मंडी भदवासिया में अब सुबह 10 बजे तक ही दुकानों के आगे सब्जी का व्यवसाय कर सकेंगे। इसके बाद सड़क को खाली करना होगा। 11 बजे के बाद सड़क पर दुकानों के आगे सब्जी बेचने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए मंडी प्रशासन ने सुरक्षा कर्मियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। आपसी झगड़े में युवक ने दांतों से कान काटा। जोधपुर के मथानिया थाना क्षेत्र में एक युवक को पड़ीढोसी को टोकना भारी पड़ीढ़ गया। पड़ोसी लड़ाई कर रहा था और अपशब्द बोल रहा था। ऐसे में जब उसने टोका तो आवेश में आकर पड़ोसी ने दांतों से कान काट लिया। कान इस तरह काटा कि उसका कान कटकर अलग हो गया। और इस बीच युवक की मां ने बचाव की कोशिश की, तब उसके हाथ पर भी काट लिया। मां बेटे ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। नाकाबंदी तोड़कर भागा तस्कर गिरफ्तार। नाकाबंदी तोड़कर भागे तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 3 साल से फरार था और 5,000 रुपए का इनाम घोषित था। मामला जोधपुर ग्रामीण के बिलाड़ा थाने का है।
जोधपुर जिले में महंत के साथ हनी ट्रैप का वीडियो जोधपुर जिले के ढांढनिया मठ के महंत का वीडियो सामने आया है, जिसमें महंत अश्लील बातें करते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी भी थाने में मामला दर्ज नहीं किया गया है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद से ही ग्रामीण और सोशल मीडिया यूजर की आलोचना कर रहे हैं। महंत का नाम लिखमपुरी बताया जा रहा है। अब बाड़मेर जिले की खबरें। बाड़मेर में अचानक धंस गई जमीन। बीकानेर के बाद अब बाड़मेर में करीब 2 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में जमीन धंसने से दरार आ गई है। मामला जिले के नागाणा में क्रूड ओनल प्रोडक्शन इलाके का है। यहां मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल MPT के वेल पैड तेल के कुएं नंबर 3 से 7 के बीच धंसी जमीन और दरार देखकर लोग हैरान रह गए। बाड़मेर में एक बूथ पर 8 मई को दोबारा वोटिंग। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के दुधवा खुर्द गांव में एक पोलिंग बूथ पर 8 मई को पुनर्मतदान होगा। यहां सुबह 7 से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। शिकायतों के कारण यहां दोबारा मतदान करवाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग की जाएगी। 26 अप्रैल को बूथ संख्या 50 पर वोटर को मताधिकार से वंचित करते हुए उनके वोट वहां मौजूद 2-3 लोगों ने जबरदस्ती डाल दिए। करीब 5 दिन बाद 1 मई को बूथ में फजीवाड़े को लेकर वीडियो फोटो कुछ लोगों तक पहुंच गए हैं। गोपनीयता भंग होने पर अब चुनाव आयोग ने 8 मई बुधवार को दोबारा मतदान करवाने के आदेश दिए हैं। हरीश चौधरी को कांग्रेस ने बनाया पंजाब का स्पेशल ऑब्जर्वर। बीती शाम कांग्रेस आलाकमान ने एक बार फिर बायतू विधायक हरीश चौधरी को पंजाब राज्य की जिम्मेदारी सौंपी है। पंजाब में 1 जून को लोकसभा चुनाव की वोटिंग है। इससे पहले कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने विधायक हरीश चौधरी ने पंजाब का स्पेशल ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। बीकानेर जिले की खबरें। अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को नस काटने की धमकी दी। श्रीडूंगरगढ़ कस्बे में अतिक्रमण हटाने पहुंचे प्रशासन के दस्ते को दुकानदारों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। यहां तक कि एक व्यापारी ने दुकान के आगे लगे काउंटर को जब्त किया तो चाकू से खुद की नस काटने की चेतावनी दे डाली। हालांकि इसके बावजूद भी कार्रवाई जारी रही। बीकानेर में लू का असर। 42 डिग्री पहुंचा तापमान। बीकानेर में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। वहीं रात को भी आराम नहीं है। दोपहर और रात का पारा अब सामान्य से ज्यादा हो गया है। आने वाले दिनों में बीकानेर में गर्मी चरम पर पहुंच सकती है। बीकानेर में पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। नकल माफिया के गुर्गे सहित 2 पकड़ेढ़े। राजस्व अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी परीक्षा में नकल के मामले में पुलिस ने नकल माफिया तुलसाराम कालेर के 2 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों इनामी बदमाश है। दोनों से नकल के कई मामलों का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब अलवर जिले की खबरें। अलवर के डॉक्टर को सूदी में नौकरी के बहाने ठगा। कोटा दादा बाढ़ी के डॉक्टर अबरार अली से अलवर में रहते हुए 1,38,000 रुपए की ठगी हो गई। अलवर के सानिया हॉस्पिटल में कार्यरत शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ अबरार अली को सूदी अरब के फैसल स्पेशलिटी हॉस्पिटल रियाद में नौकरी लगाने का झांसा देकर यह ठगी की है। अब डॉक्टर ने साइबर थाने में रिपोर्ट दी है। अवैध शराब और गांजे की बिक्री से परेशान महिलाएं। भिवाड़ी के सांथलका में लंबे समय से बिक रही अवैध देशी शराब और गांजे के विरोध में सोमवार को 2 दर्जन से ज्यादा महिलाएं SP कार्यालय पहुंची और वहां पर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही अवैध रूप से बिक रही शराब और गांजे पर सख्ती से कार्रवाई करने की मांग की। इसको लेकर महिलाओं ने SP को एक झापन भी सौंपा। अब दौसा जिले की खबरें। दौसा में मिलावट खोरों पर ADM का बढ़ेढ़ा एक्शन। खाद्य विभाग द्वारा मिलावट के खिलाफ चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत दौसा जिले में बढ़ी कार्रवाई की गई है। खाद्य पदार्थों में मिलावट पाए जाने के मामलों में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने अप्रैल माह में 14 फर्मों पर 41,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। कोयला फैक्ट्री के विरोध 1 सप्ताह से आंदोलन। दौसा जिले के सिकंदरा गांव में 52 पाड़ा रोड पर संचालित अवैध कोयला फैक्ट्री के विरोध में पिछले 1 सप्ताह से ग्रामीणों का आंदोलन बदस्तूर जारी है, लेकिन प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। इससे धरना दे रहे लोगों में रोष व्याप्त है और आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दी है। अब सीकर जिले की खबरें। खुद को पुलिस वाला बताकर महिला से की ठगी। लिफ्ट के नाम पर महिला के साथ ठगी होने का मामला सामने आया है। कार में बैठे शख्स ने खुद को पुलिस वाला बताकर महिला को झांसे में लिया और उसके गहने हड़प लिए।
आधा दर्जन ट्रेनों के रूट में बदलाव, जयपुर स्टेशन के रीडेवलपमेंट के अंतर्गत जयपुर के स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 4 और 5 पर एयर कॉन्कोर्स कंस्ट्रक्शन होने वाला है। ऐसे में रेलवे ने ट्रेनों के रूट में बदलाव किया है। इनमें सीकर से गुजरने वाली 4 ट्रेन है। अब भरतपुर जिले की खबरें। कचरे से ट्रांसफार्मर ने पकड़ डीडीढ़ी आग। भरतपुर के कृष्णा नगर स्थित टेलीफोन एक्सचेंज पानी की टंकी के पास एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिससे पूरे इलाके की बिजली चली गई। आग की ऊंची ऊंची लपटें देख स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। अवैध शराब बेचने वाला गिरफ्तार। नदबई थाना पुलिस ने अवैध शराब के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को सोमवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नगला कबई थाना नदबई निवासी विश्वेंद्र को गिरफ्तार किया है। 10 दुकानदारों से 20 किलो प्लास्टिक कैरी बैग जब्त, 2000 का जुर्माना। नगर पालिका ने प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग्स के खिलाफ अभियान चलाकर 10 दुकानदारों से 20 किलो प्लास्टिक कैरी बैग जब्त कर 2000 रुपए का जुर्माना वसूल किया है। अब उदयपुर जिले की खबरें। उदयपुर ने जीते 15 स्वर्ण सहित 26 पदक। हाल ही में सीकर में संपन्न हुई राज्य स्तरीय किक बॉक्सिंग स्पर्धा में उदयपुर टीम ने श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 15 स्वर्ण, 7 रजत और 4 कांस्य सहित 26 पदक अपने नाम किए। अब भीलवाड़ा जिले की खबरें। भीलवाड़ा में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई जारी। भीलवाड़ा जिले में अवैध खनन के खिलाफ अभियान चल रहा है। जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशन में सोमवार को जिले में 4 मामले बनाकर 3 वाहन जब्त किए गए। इनमें एक डंपर चुनाई पत्थर, गिट्टी, पुलिस थाना सदर ने व आसीन थाना पुलिस ने माइका से भरी 2 पिकअप को अवैध परिवहन के दौरान जब्त किया। पूर्व विधायक की बेटी ने रात 11 बजे मांगी मदद, कहा, मेरी मम्मी और मैंने जब अपने दादा कन्हैयालाल धाकड़ से पापा की संदेहास्पद मौत की निष्पक्ष जांच की मांग की, तो उन्होंने और मेरी बुआओं ने मुझे और मम्मी को मार पीट कर घर से निकाल दिया। भावुक अपील कांग्रेस के दिवंगत पूर्व विधायक विवेक धाकड़ डट की बेटी अवनी ने रात 11 बजे सोशल मीडिया के जरिए की। वीडियो में पूर्व विधायक धाकड़ की बेटी और पत्नी किसी वाहन में बैठी है। रात का वक्त है, दोनों रो रही हैं और अवनी खाजाढ़ाती जुबान में 1 मिनट 31 सेकंड के वीडियो में गृह क्लेश का जिक्र कर रही है। सांडों को बचाने कुएं में उतरे 3 युवकों की मौत। सांडों को बचाने के लिए कुएं में उतरे 2 सगे भाई सहित 3 की मौत हो गई। कुएं के अंदर जहरीली गैस का रिसाव हो रहा था। कुएं में एक एक कर 5 युवक उतरे थे। काफी मशक्कत के बाद 2 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। मामला भीलवाड़ा के शाहपुरा इलाके का है। अब जैसलमेर की खबरें। जैसलमेर में आज से चलेगी लू। जैसलमेर में गर्मी में भीषण तेजी आ गई है। सूरज के कहर से जिला तपने लग गया है। सोमवार को इस सीजन का सबसे ज्यादा तापमान 42.8 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने जैसलमेर जिले में आने वाले 3 दिनों तक हीट वेव की चेतावनी दी है। कृषि मौसम वैज्ञानिक अतुल गालव ने बताया कि 7 से 9 मई को लू का प्रभाव तेज रहेगा। अब बांसवाड़ा जिले की खबरें। आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को डिजिटल माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए श्री शिक्षण सेवा संस्थान की ओर से मंगलवार को समारोह का आयोजन किया गया। इसमें बागीदौरा पंचायत समिति के 100 आंगनबाड़ी केंद्रों से कार्यकर्ता शामिल हुए। समारोह में संभागीय आयुक्त नीरज के पवन के द्वारा LID का वितरण किया गया। श्री नृसिंह भगवान के प्राकट्योत्सव पर 21 मई को निकलेगी शोभा यात्रा। पंच चौबीसा ब्राह्मण समाज के तत्वावधान में भगवान श्री नृसिंह का प्राकट्योत्सव 21 मई को मनाया जाएगा। इस दिन निज मंदिर में पूजन अभिषेक, शाम को शोभा यात्रा और रात में महाप्रसाद का आयोजन होगा। अब सवाई माधोपुर जिले की खबरें। सहमति बनने पर सिटी बसों की हड़ताल खत्म। सवाई माधोपुर में पुराने शहर में जाम से निजात दिलवाने के लिए सोमवार को प्रशासन की ओर से सिटी बसों का मुख्य बाजार में प्रवेश रोक दिया गया। इसके बाद दोपहर बाद सिटी बस यूनियन ने हड़ताल कर दी। करीब 1 घंटे तक चले बातचीत के दौरान के बाद कुछ मुद्दों पर सहमति बनने पर सिटी बस यूनियन ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी। कार के पीछे दौड़ा टाइगर। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर एक टाइगर ने कार पीछे दौड़ लगा दी। इससे कार सवार लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। हालांकि टाइगर ने कार पर हमला नहीं बोला। अब झुंझुनू जिले की खबरें। क्रूजर गाढ़ी से टकराई झुंझुनू। कलेक्टर चिन्मयी गोपाल की इनोवा झुंझुनू कलेक्टर चिन्मयी गोपाल की गाढ़ी का सोमवार को एक्सीडेंट हो गया। हादसे के दौरान वे गाढ़ी में ही मौजूद थी, लेकिन गनीमत ये रही उन्हें चोट नहीं आई। दोनों गाढ़ी के चालक को हल्की चोटें आई है।
पिस्तौल दिखाकर डाक सहायक से 1,70,000 लूटे। पिस्तौल दिखाकर डाक सहायक से 1,70,000 की लूट का मामला सामने आया है। बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे। घटना झुंझुनू के मंडरेला थाना क्षेत्र के नरहरडेश भोमपुरा मोड़ा की है। अब सभी जिलों की खबरें। राजस्थान में 10-11 मई को आंधी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में अब गर्मी के तेवर रात में भी तेज हो गए। फलोदी में न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने लगा है। अधिकांश शहरों में दिन का तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक कल से अगले कुछ दिन राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में गर्मी और तेज होने और हीटवेव चलने की संभावना है। केंद्र जयपुर के अनुसार 10-11 मई को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। 10 मई को उदयपुर, कोटा और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ आंधी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। 8 मई को अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, झुंझुनू, करौली के अलावा गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर में हीटवेव चलने अलर्ट जारी किया है। 9 मई को भी पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर के अलावा कोटा, बारां, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, झुंझुनू, बांसवाड़ा में भी हीटवेव चलने की संभावना जताई है। पिछले 4 मैचों में तीसरी हार से हैदराबाद की मुश्किलें बढ़ी। इंडियन प्रीमियर लीग में लीग स्टेज के 55 मैच खत्म हो चुके हैं। सोमवार को मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। इस नतीजे से MI 9वें नंबर पर पहुंच गई, वहीं SRH 4थे नंबर पर बरकरार है। सनराइजर्स हैदराबाद को पिछले 4 मैचों में तीसरी हार मिली। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत की शर्तें रखी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने की शर्तें रखी। अदालत ने जमानत का विरोध कर रही ईडी से कहा कि चुनाव चल रहे हैं और केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार आते हैं। अदालत ने केजरीवाल से कहा कि हम आपको जमानत दे देते हैं तो आप ऑनफिशियल ड्यूटी नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि आप सरकार में दखल अंदाजी करें। अगर चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता था। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान के सभी जिलों की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए।